हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 5वें का पहला प्रश्न 5वें का पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। और इसके पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तथा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न पांचवा जो है गुणनखंड कीजिए। तो यह जो पूरी प्रश्नावली है बच्चों, यह सर्व समीकाओं पर आधारित है और सर्व समीकाओं का एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं बच्चों। आपको सर्व समीकाएं याद करनी पड़ेगी और जैसे जैसे सवाल आए आपको याद करते जाना है। तो इसमें गुणनखंड करना है हमें। तो यहाँ पर एक बहुपद दे रखा हमें, 4x² (9y² (16z² (12xy) (24yz) (16xz) ठीक है। तो इसे हमें किसी तरह से एक सर्व समीका के रूप में बनाना है, जिससे कि हम इसके गुणनखंड निकाल पाए। तो देखो बच्चों, चलो कुछ कोशिश करते हैं हम लोग कि इसे किस तरह से और आसानी से लिख सकते हैं, जिससे कि यह सर्व समीका के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स का वर्ग है, वाई का वर्ग है, जेड का वर्ग है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड है, इसको जेड एक्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये तो गुणा में थे। तो इस तरह की जो सर्व समीका थी, जो हमने पिछले सवाल में भी करी थी, आपको याद होगी कि एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग धन 2xy (2yz) (2zx) वाली एक सर्व समीका थी। और उसका जो सूत्र था (x)(y)(z) का वर्ग वाली थी, है ना। तो उस तरह से हम इसको बना सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों। तो चलो करते हैं। 4x का वर्ग है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x का वर्ग, है ना। पूरे का वर्ग लगा दिया, मतलब ये है कि 2 का भी वर्ग है और एक्स का भी वर्ग है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और x का वर्ग x² हो गया। तो 4x का वर्ग है, इसको हम 2x² लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने इस पूरे पे कोष्टक लगा दिया, मतलब यहाँ 2 का भी वर्ग हुआ है। उसी प्रकार 9y का वर्ग है तो हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, 3y का वर्ग, है ना बच्चों, 3y का वर्ग पूरे पे कोष्टक में लगा दिया, मतलब इस पूरी संख्या का वर्ग है। तो 3 का वर्ग होगा, मतलब 3 × 3 = 9, है ना। और y का वर्ग हो जाएगा तो 9y का वर्ग हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। धन 16z का वर्ग, है ना, 16z का वर्ग है, मतलब 4z का वर्ग कर दो यहाँ, 4z का वर्ग तो 4 × 16 हो जाएंगे, है ना, 16z का वर्ग हो जाएगा। धन यहाँ पर हमें कैसा बनाना है, 2, है ना, 2 और इसमें आना चाहिए xy। तो यदि हम 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 6x y बच जाएगा, ठीक है। 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया जैसा कि लेना था हमें, और 6x y, क्योंकि इसे हम सर्व समीका के रूप में बनाना चाहते हैं, उसमें क्या था, वर्ग के बाद था 2xy था, तो 2 यदि हम कॉमन ले ले तो 6xy बचा, ठीक है। ऋण यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, 12yz बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, 8xz, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण था तो हमने ऋण लगा दिया बच्चों, है ना, और इस तरह से बना ली। अब हमें उस सर्व समीका के रूप में लिखना था, उस सर्व समीका के रूप में बनाने की कोशिश करनी है। तो उसमें था बच्चों (x)(y)(z)² (2xy)(2yz)(2zx), ठीक है। यह सर्व समीका का विस्तृत रूप था, हमने देख लिया इसको, और हम इस तरह से बनाएंगे जिससे कि हम इसके गुणनखंड आसानी से निकाल पाए बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस तरह से बन रही है, यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या रहा, 2x, है ना, एक्स के स्थान पर क्या रहा, 2x, वाई के स्थान पर 3y और जेड के स्थान पर 4z हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम यदि हम आगे देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है, ठीक है, हमें तो यहाँ पे 2xy चाहिए, तो x तो 2x होगा, है ना, और y कितना होना चाहिए, 3y होना चाहिए, है ना। तो हमें 6 को इन दोनों में संख्याओं में डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 2x
और 3 y चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, हाँ हो जाएगा है ना, 2x और 3 y। ठीक है, इस 6x को हम दो संख्याओं में डिवाइड कर लेंगे, 2x और 3 y, जिससे कि हमारे x के स्थान पर आएगा 2x और y के स्थान पर आएगा 3 y, तो उन दोनों की पूर्ति यहाँ हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे तो हमें धन चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे हमें धन चाहिएगा इस समीकरण में बनाने के लिए, यहाँ पे धन चाहिएगा। और यहाँ पे वाई जेड है तो वाई क्या था बच्चों, 3 y, और जेड था 4 z, तो 3 y गुणा 4 z, 4 3 12, वाई जेड हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ऋण है बच्चों, है ना, ऋण नहीं चाहिए हमें, धन चाहिए। तो यहाँ धन करने के लिए इन दोनों में से किसी एक संख्या पर ऋण का निशान लगाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ धन हो जाएगा और यहाँ पे ऋण का 4 z हो जाएगा। ठीक है, ऋण का 4 z कर लो, है ना, क्योंकि ऋण का 4 z करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम ऋण का 4 z कर सकते हैं, ऋण के 4 z गुणा ऋण का 4 z, है ना, ऋण के 4 z में देखो बच्चों, ऋण के 4 z में यदि ऋण के 4 z का गुणा होगा तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन 16 z का वर्ग। ठीक है, 16 z का वर्ग हो जाएगा, तो हम ऋण का 4 z कर देंगे और यहाँ पे भी ऋण का 4 z कर देंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बच्चों, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे। यहाँ उसी प्रकार यदि यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए xz या zx। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या आना है, हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए। ठीक है, 2x चाहिए, और z के स्थान पर क्या चाहिए, 4 z, वो भी ऋण का है, ऋण का 4 z करना कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ऋण का 4 z कर देंगे तो यहाँ हमें ऋण लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये धन का हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये धन का हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें इन दोनों का और इन तीनों का जब गुणा होगा तो यहाँ ऋण की संख्या आ ही जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 4 2 8 xz हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको समझा दिया मैंने। अब हम लिखते हैं बच्चों कि हमें x के स्थान पर क्या लिखना है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब हम ये वाली समीकरण जो है इस तरह से लिखेंगे, ये वाली जैसी। तो x के स्थान पर 2x है, तो 2x का वर्ग धन y के स्थान पर 3y का वर्ग पूरे का वर्ग है, धन जेड के स्थान पर ऋण 4 z का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे ऋण इसलिए करा बच्चों क्योंकि आगे हमें जेड की संख्या ऋण वाली चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे भी ऋण 4 z कर दिया है, जिससे कि ऋण ऋण में ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा वापस, धन 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि 2xy है, 2xy है, तो 2x और 3y। ठीक है, धन 2, अब वाई जेड है तो वाई के स्थान पे तो 3y है, और जेड के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण का 4 z। ठीक है, धन 2 और 2 yz, 2 zx होना चाहिए ना, 2 zx चाहिए हमें यहाँ, तो जेड के स्थान पर ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 4 z, और एक्स के स्थान पर हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x एक्स के स्थान पर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कर दिया है, तो ये समीकरण इस रूप में आ गई है, इस रूप में आ गई है बच्चों, यह पूरा बहुपद इस रूप में आ गया। तो हम इस पूरे के स्थान पर, अब इस पूरे के स्थान पर ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इस रूप में हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या है बच्चों, 2x है, धन y क्या है, 3y है, और धन z क्या है, ऋण के 4 z है। ठीक है, तो x धन y धन z का वर्ग, ठीक है, x धन y धन z का वर्ग ये हो गया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x धन 3y, और धन का ऋण में गुणा हुआ तो ऋण हो गया 4 z का वर्ग। ठीक है, और इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x धन 3y ऋण 4 z, क्योंकि ये वर्ग है इस पूरे का, मतलब इसका इसमें 2 बार गुणा है, 2x धन 3y ऋण 4 z। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी हमने इसको कर दिया है, ये इसका गुणनखंड पूरा हो चुका है।